नमस्कार मेरे प्रिय धनु राशि वाले मित्रों, मैं हूं आपका सौरभ संदीप कटारिया और इस वीडियो में हम संक्षेप में चर्चा करने जा रहे हैं साल 2016 में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का पूर्णमान आपकी राशि के लिए। यदि आपने 2016 के लिए कोई बड़ी योजना बनाई है और अगर नहीं बनाई तो बना लीजिए, तो आप काफी व्यस्त रहेंगे और जीवन तीव्र गति के साथ आगे बढ़ेगा। 2016 में लगभग सभी योजनाएं पे जब आप काम करेंगे तो वो आपके लिए एक सफल संदेश ही लेके आएंगी और आपकी कड़ी मेहनत और आपकी लगन आपका साथ देगी और अंत में आपको लाभ भी मिलेगा और आप इसका आनंद भी उठाएंगे। तो कुल मिला के 2016 अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, परंतु एक छोटी सी सावधानी आपको बरतनी होगी और वो ये है कि कोई भी काम को अपने समय सीमा से पहले ही पूरा करने की आदत डाल लें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कहीं आप काम कर रहे हैं यानी कि नौकरी पेशा हैं तो आपके बॉसेस, और अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो आपके सीनियर्स या आपके कस्टमर्स आपसे भी ज़्यादा अनुशासित होंगे और वो भी एक समय सीमा के अंदर रह के अपने कार्य पूरे करेंगे। इसलिए आप अगर अपने बॉसेस की डांट डपट से बचना चाहते हैं तो आप भी वैसा करें। तो ये तो था पूरे साल भर का एक मोटा सा पूर्णमान। अब कुछ खास बातें और गहरी बातें कर लें। सबसे पहली बात तो ये है कि विभिन्न स्थितियों में निर्णय लेने के लिए आपको एक व्यवहारिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक शैली अपनानी होगी, यानी कि आपको पूरे 12 महीने प्रैक्टिकल होना होगा और जो भी आपकी योजनाएं हैं उस पे आप अपनी महत्वाकांक्षा या बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बना लूं इसका असर नहीं आने देना होगा। दूसरा, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों की मदद लेने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरे लोग आपको मदद देने के लिए, आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, पर जरूरत है कि आप अपने कम्युनिकेशन यानी कि अपनी बोलचाल को मीठा बना के रखें और अपने ईगो यानी कि मैं हूं ऐसी टेंडेंसी पे थोड़ा सा अंकुश लगा के रखें। तो क्या करें, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बने, थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ा सा अपने व्यवहार में मीठापन लाएं, खुश मिजाजी लाएं, जिंदा दिली लाएं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सभी महीने में काम आपका अपने आप बड़े सुचारू रूप से हो सके। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए साल 2000 के बारे में मेरा अनुमान है कि आप जीवन में बहुत सारे बदलाव देखेंगे, आपका व्यक्तिगत विकास भी होगा और आप इस इरादे से अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको समय बहुत सारे सुंदर अवसर भी प्रदान करेगा। जैसे जैसे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास होता जा रहा है जाएगा, आप पाएंगे कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं एक के बाद एक। और इसके साथ ही साथ मोटे तौर पे ये वर्ष आपको बहुत सारी सुंदर शिक्षाएं जिंदगी के बारे में देने जा रहा है और आपको कुछ जिम्मेवारियों को बहुत सुंदर तरीके से निभाना या कुछ अधिक जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना और स्वेच्छा से दूसरों की मदद करना, ये भी आपको पाठ पढ़ने होंगे इस वर्ष। प्यार के मुद्दों पे रिलेशनशिप में आपको सामने वाले की उचित जांच करके ही आगे बढ़ना होगा और हो सकता है कि इस समय आपको कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े। तो फिलहाल ये था मेरे द्वारा आपकी राशि के लिए 2016 का पूर्णमान। यदि आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमें निम्नलिखित नंबरों पे फ़ोन करें या ईमेल करें और हमारी दोनों वेबसाइट्स भी देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, ज़रूर शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं एक उज्जवल, सफल और खुशहाल जीवन के लिए देता हूँ।